ओम शांति। तो आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसे एक बहुत सुंदर विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में दिया है। 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये विचार आया कि भारत की संस्कृति इतनी ऊंच और महान है और भारत का ही योग सर्वश्रेष्ठ है, जिन्होंने सारे विश्व के अंदर जागृति लाने के लिए एक बहुत सुंदर विचार रखा और उस विचार को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के लिए भारत सरकार ने और खास करके हमारे प्रधानमंत्री की विशेष प्रेरणा से एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम रखा है आयुष। और आयुष मंत्रालय के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट है जिसके आधार से केवल एक दिन नहीं एक महीने के लिए खास विशेष योग से संबंधित कार्यक्रम रखे जाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से भी आज इस प्रोजेक्ट की हम लॉन्चिंग का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और ये भी एक महीने का कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे भ्राता सुरेश कुमार ओला जी, SDM माउंट आबू, और भ्राता सुरेश थिंगर जी, नगर पालिका प्रेसिडेंट माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जो कि यूथ विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर, साथ साथ चंद्रिका बहन अहमदाबाद महादेव नगर से सब जोन की इंचार्ज हैं, उनके अंडर कई यूथ, हज़ारों की संख्या में यूथ कार्य कर रहे हैं जो कि यूथ का ये प्रोग्राम चल रहा है, उनसे मैं निवेदन करती हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और डॉक्टर प्रताप मेहता जी, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू, और ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन, सीनियर राज योगा टीचर माउंट आबू से निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम परमपिता परमात्मा की याद में एक मिनट के लिए बैठेंगे और उसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि मंच पर उपस्थित हमारे महानुभावों का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता सुरेश थिंगर जी, नगर पालिका प्रेसिडेंट माउंट आबू, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और भ्राता सुरेश कुमार ओला, SDM माउंट आबू, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमें ऐसी श्रेष्ठ शक्ति दी है जो हम अपने तन और मन को स्वस्थ रखें। और ये इतना सुंदर प्रोजेक्ट है जो तन और मन के स्वस्थ के बारे में पूरा बैलेंस रहे, और इसी प्रोजेक्ट के निमित्त आज ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा है। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि मंच पर उपस्थित हमारे महानुभावों का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी बहनें, और मैं आमंत्रित कर रही हूँ माउंट आबू की पार्षद मंजू परमार, आपसे निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बहन मंजू परमार पार्षद, आपसे निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित कर रही हूँ नितिन भाई, जो कि आप सभी का गीत के द्वारा स्वागत करेंगे। नितिन भाई भी एक युवा और स्वयं भी योग अभ्यासी, दूसरों को भी योग अभ्यास कराने के लिए, और आप मल्टीपल वॉइस के धनी हैं नितिन भाई,
और ऐसे युवा कलाकार जब हमारे सामने हो तो कितनी बड़ी सुंदर क्रांति. अब ऐसी क्रांति लानी है कि हमारा तन और मन कैसे स्वस्थ रहे, शरीर को योग के द्वारा, मन को राजयोग के द्वारा बैलेंस दे करके हम अपने तन और मन को स्वस्थ कर सकते हैं. नितिन भाई स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे. शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम. आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है. आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है. शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम. मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन भारत माँ के युवाओं से. मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन भारत माँ के युवाओं से. स्वागत और सत्कार का मौसम हो, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है. आगमन से आपके आनंद ही आनंद है. शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम. आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले. आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले. नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है. आगमन से आपके आनंद ही आनंद है. शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम.
स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। बहुत सुंदर, आपने सुंदर शब्दों के साथ साथ अपनी संगीत की शैली के द्वारा सबका स्वागत किया, याद दिलाया कि किस प्रकार से राज्यों के माध्यम से और साथ साथ योग के अभ्यास से इस शरीर की काया को परिवर्तन करना है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि आज हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने इसे कदम बढ़ाया और उसका साथ हमारे बीच में पधारे हैं भ्राता सुरेश कुमार ओला जी, SDM माउंट आबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे SDM जी का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें और उन्हें बैच पहनाएं। जैसा कि आपको बता रहे थे कि ये प्रोजेक्ट इतना विशाल है कि पूरे विश्व के अंदर एक आध्यात्मिक और शारीरिक बैलेंस की एक क्रांति लाना, तन और मन को स्वस्थ बनाना, जिसके अंदर पूरे विश्व के अंदर हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जागरूक भी हो रहे हैं और हर एक अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शिष्य विश्वविद्यालय की ओर से भी एक महीने का आयुष मंत्रालय के द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट के द्वारा अनेक कार्यक्रम रखे जाएंगे जिन्हें खास शारीरिक योग और राजयोग के माध्यम से तन और मन को स्वस्थ रखने की प्रेरणा दी जाएगी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू, आप शब्दों के द्वारा आप सबका स्वागत करेंगे। और आप सभी ग्लोबल हॉस्पिटल को जानते भी हैं, जो नहीं जानते होंगे जब आप देखने जाएंगे वहाँ आपको जानकारी मिलेगी। ग्लोबल हॉस्पिटल में भी तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार की थेरेपीज हैं, जैसा कि फिजियोथेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है, नेचर क्योर भी हैं और साथ साथ अन्य कई भी थेरेपी हैं और इंग्लिश दवा भी होती है, होम्योपैथी दवा भी मिलती है। और वहाँ पर हमारी बहनें ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें राज्यों के माध्यम से मन को किस प्रकार से शांत करना है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि 99% डिसीजेज माइंड अनरेस्ट के कारण है। तो मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, दोनों का बैलेंस। और डॉक्टर प्रताप मिड्डा स्वयं पिछले 50 वर्षों से राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, आपकी मार्गदर्शना में ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाएं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाती हैं और कई गांवों से लोग
और अन्य लोग भी आते हैं यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाओं को लेने के लिए. अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर प्रताप मीणा जी को, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल. आप सभी का शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगे डॉक्टर प्रताप मीणा. ओम शांति. आप सभी के सामने मैं अपने आप को पाकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ. आज के इस विशेष दिवस पर मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य मिला है. मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारत का प्राचीन योग आज पूरे विश्व के रंगमंच पर उपस्थित हुआ है. तो उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है. उनके एक प्रयास से योग जो हमारी पद्धति है, जीवन पद्धति है, उसका आज पूरे विश्व में उसका सम्मान हो रहा है, उसका गायन हो रहा है. तो आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि श्री सुरेश कुमार ओला जी, जो हमारे यंग डायनेमिक एसटीएम हैं, हम उनका स्वागत करते हैं. और मैं समझता हूँ उनकी प्रेजेंस से हम सबको उमंग उत्साह मिलेगा. योग अपने आप में एक विज्ञान है. मैं तो ये समझता हूँ अगर कोई योग का नित्य प्रति पालन करता है तो रोग तो अपने आप भाग जाएंगे और डॉक्टर्स के लिए कोई काम नहीं रहेगा. हमारे बीच में हमारे नगरपालिका अध्यक्ष श्री सुरेश थेंगर जी भी उपस्थित हैं. मैं भी उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं. हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है. सुरेश जी भी यंग हैं, डायनेमिक हैं और मैं देखता हूं भाग भाग कर शहर के विकास के लिए वो कार्य करते रहे. आपका हार्दिक स्वागत है. हमारे बीच यूथ विभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर चंद्रिका बहन हैं, जो मैं समझता हूँ कि यूथ विंग ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो महत्वपूर्ण कार्य किया है लिविंग वैल्यूज़ के द्वारा, और साथ साथ जो टच द लाइट प्रोग्राम था जिसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि कैसे युवाओं में जो आध्यात्मिक चेतना की बात है उसको लेकर आए. तो चंद्रिका बहन बहुत कुशलता से उसका निर्देशन भी कर रहे हैं और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं. हर साल वो नए नए प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और हम ये समझते हैं कि युवा वर्ग ही हमारे देश का सबसे बड़ा धन है. तो आप सभी को देखकर भी आज बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे बीच में हैं. हमारे साथ बहन मंजू परमार जी भी हैं, जो हमारी नगर पालिका की पार्षद हैं. उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. राजयोग शिक्षिका शीलू बहन, जो शिक्षा प्रभाग से भी संबंध रखती हैं, लेकिन जितने भी हमारे यहाँ योग शिविर होते हैं उनमें उनका हमेशा सहयोग रहता है. उनमें वो हमेशा आने वाले भाई बहनों का मार्ग निर्देशन करते हैं. तो शीलू बहन, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत. हमारे बीच में शशि बहन भी हैं. शशि बहन जो हमारे स्पोर्ट्स विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर में जो व्यवस्था को भी संभालते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी प्रेजेंस से हम सबको बहुत उमंग उत्साह मिलता है. उनके कार्य करने की शैली से प्रेरणा मिलती है. मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ. और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का तो लक्ष्य ये है केवल योग एक क्रिया ही नहीं है लेकिन योगी जीवन होना चाहिए. और हम समझते भी हैं कि ये जो योग हमें विरासत में मिला है, अपनी संस्कृति में मिला है, ये योग केवल शारीरिक योग नहीं है लेकिन इसमें आहार, व्यवहार, संयम, नियम सब कुछ है. ये एक पूर्ण रूप से जीवन जीने की कला है. हम जो समझते थे कि योग केवल एक्सरसाइज नहीं है लेकिन योग तो लंबी आयु पाने का एक साधन है. योग से निरोगी काया भी मिलती है और योग से आयु भी लंबी होती है. तो हम सभी अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम सभी योगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और योगी जीवन की प्रेरणा भी सबको दे रहे हैं. तो आप सभी भाई बहनों का आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत है.
जैसे शशि बहन बता रही थी कि योग और विज्ञान, यानी अगर स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों का मिलन होता है तो न केवल हम स्वस्थ रहेंगे लेकिन प्रसन्न भी रहेंगे और उत्साहित भी रहेंगे, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप मीणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी कुछ दिन अभी लंदन एंड यूरोप का चक्कर लगा करके वापस आए हैं, हम भी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी वहाँ पर भी खास करके ग्लोबल हॉस्पिटल के निमित्त विशेष सेवाएं हुई, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको बताया कि इंटरनेशनल योगा डे इनॉग्रेशन ऑफ मंथली योगा प्रोग्राम, आज 21 मई है और 21 जून इंटरनेशनल दिवस है। पूरे महीने का ये प्रोजेक्ट है, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये प्रोजेक्ट खास बनाया गया है, विशेष हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा और आयुष मंत्रालय के डायरेक्शन से यहाँ इस प्रोजेक्ट का एक महीना ये कार्यक्रम चलेगा, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कई भाई बहनों को, विभिन्न लोगों को, विभिन्न जाति के लोगों को शारीरिक योग और मानसिक योग और राजयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको मालूम हो आयुष मंत्रालय, आयुष है आयुर्वेद, ए है आयुर्वेदा और वाई है योगा, यू है यूनानी पद्धति और एस है स्पिरिचुअलिटी और एच है होम्योपैथी। ये पांचों ही पद्धति ब्रह्माकुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय और साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल में भी ये पांचों पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद डिपार्टमेंट भी है ग्लोबल हॉस्पिटल में और ब्रह्माकुमारीज के हेडक्वार्टर में भी आयुर्वेद कुछ डॉक्टर्स आते रहते हैं समय प्रति समय, और ब्रह्माकुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय में विशेष योग का अभ्यास कराया जाता है जिसे हम राजयोग के नाम से कहते हैं, और यूनानी पद्धति में कई इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं वो भी आकर के अपने इस पद्धति के द्वारा अनेकों को लाभ पहुँचाते हैं, और साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी विद्यालय में दी जाती हैं। और होम्योपैथी का तो बहुत ही महत्व है, आजकल कई ऐसी बीमारियां हैं जो होम्योपैथी के द्वारा भी सहज दूर की जा सकती हैं। तो अब आयुष मंत्रालय के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, इन पांचों पद्धतियों का किस प्रकार से हम अपनी लाइफ के अंदर प्रयोग कर सकते हैं तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक महीना यहाँ ज्ञान सरोवर, पांडा भवन, हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है शांति भवन, और ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से चारों ही स्थानों की तरफ से भिन्न भिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट की हम लॉन्चिंग कर रहे हैं दीपक जला करके, दीप प्रज्वलित करके, दीप और मंच पर उपस्थित हमारे महानुभाव दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि ये हमारी ऐसी आशाओं का दीप हैं जो सारे विश्व के अंदर एक नई जागृति लाएंगे। और साथ साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ ज्ञान सरोवर से आनंद भाई और नरेश भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल से महेंद्र भाई, रूपा बहन, और पांडव भवन से जीतू भाई, अवतार भाई, सतीश भाई मंच पर आएंगे दीप प्रज्वलित करने के लिए। और मंच पर उपस्थित हमारे महानुभाव आएंगे और इस प्रोजेक्ट, आइए अभी महेंद्र भाई, रूपा बहन आओ, और आनंद भाई, नरेश भाई आई मंच पर, जीतू भाई, राघविंदर भाई, जीतू भाई, अवतार भाई, राघविंदर भाई, नरेश भाई, अवतार भाई, जीतू भाई, Thank you.
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं और आज के दिन हम दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हम अपने तन और मन को स्वस्थ रखेंगे। सबसे पहले मन खुश तो तन खुश है। मन को खुश करने के लिए हमें कुछ भी हो जाए, अपने मन के अंदर नेगेटिव विचारों का त्याग करके मन को श्रेष्ठ बनाना है। मन श्रेष्ठ तन श्रेष्ठ। अभी हमारे बीच हैं आदरणीय भ्राता सुरेश कुमार ओला जी, SDM माउंट आबू। आपका हम करतल ध्वनि से स्वागत भी करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होते हुए भी आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी है। और अभी आप अपना उद्घाटन भाषण प्रस्तुत करेंगे, भ्राता सुरेश कुमार ओला जी, SDM माउंट आबू। मंच पर आसीन चेयरमैन साहब, हमारे पार्षद प्रताप जी, योगा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बहने और मेरे सामने उपस्थित अतिथिगण, आप सभी का माउंट आबू प्रशासन की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। ब्रह्मकुमारीज के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और काफ़ी कम समय में मैंने देखा है कि हर वीक इनकी कोई ना कोई गतिविधि माउंट आबू में होती है, भले ही वो नीचे आबू रोड वाले कैंपस में हो या यहाँ पर हो। साफ सफाई के जिस तरह से इन्होंने ये अभियान अभी चालू किया है, इससे पहले भी लगभग हर सप्ताह में स्पोर्ट्स का हो, भले ही वो आर्मी से रिलेटेड कोर्सेज हो, देश विदेश के काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और अप्रैल महीने में भी यहाँ पर 3-4 स्टेट्स के गवर्नर्स आए थे और काफ़ी अच्छा आयोजन इन्होंने किया था। योगा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक स्वप्न है जो योग प्राचीन भारत में, जिसने इंडिया को पूरे वर्ष भर में, पूरे विश्व भर में ख्याति दिलवाई थी, वो कहीं खो गया था। लेकिन सरकार के दोबारा इसे एक नया जीवन दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, जितना शरीर स्वस्थ रहता है उतना ही अच्छा अपन कार्य कर पाते हैं। और इसी दिशा में एक और कदम सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, जिसमें बहुत ही कम खर्चे पर अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा एक अच्छा जीवन अपन जी सकते हैं, और ये उसी की एक क्रिया है। मैं ब्रह्मकुमारीज की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और इस महीने भर के पूरे कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दूंगा। आप सभी से भी मेरा ये निवेदन है कि जितना लाभ आप उठा पाएं उतना आप अवश्य लें। जय हिंद, जय भारत। और मैं चंद्रिका दीदी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे SDM साहब को शॉल पहना करके सम्मानित करें। अब इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता सुरेश ठेंगर जी, जिन्हें आपको भी मीटिंग में जल्दी जाना है, इसलिए अभी हम आपके विचार सुनेंगे। नगर पालिका प्रेसिडेंट भ्राता सुरेश ठेंगर जी, माउंट आबू। और आप तो बीच बीच में हमारे अन्य कई कार्यक्रमों में आते रहते हैं,
और आप माउंट आबू के विकास के लिए सदा अथक रहते हैं, कई प्रोजेक्ट बनाते हैं कि माउंट आबू में आने वाले टूरिस्ट भी इसका पूरा आनंद लें और साथ साथ विकास के लिए भी आप सदा एक्टिव रहते हैं। अब हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता सुरेश थिंगर जी से, प्रेसिडेंट नगरपालिका माउंट आबू। ओम शांति। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम अरावली पर्वतमाला के गोद में बसे इस ज्ञान सरोवर के परिसर में योगा दिवस किस शुभ अवसर पर जो शुभारंभ करने जा रहे हैं उस अवसर पर पधारे मंचासीन समस्त अतिथि इस कार्यक्रम में पधारे सभी नागरिक बंधु माता बहनों भाइयों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है और इस कार्यक्रम को लेकर आपने जो एक माह के लिए आज का जो प्रारंभ किया जो 21 जून तक ब्रह्मा कुमारी संस्था का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस योगा दिवस को और तेज गति से आगे बढ़े इसके लिए एक माह के लिए इस कार्यक्रम का जो आगाज किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। साथियों, हम प्रतिवर्ष ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में शहरवासियों के साथ में कुछ ना कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जब से नगरपालिका प्रथम सेवक की जिम्मेदारी मिली तब से लेकर जब कभी भी मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान से डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी से शशि बहन से साथियों से जब कभी भी मैंने कोई सहयोग की आशा की तो इन्होंने पूरा सहयोग दिया तन मन धन से। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कुछ लोग यहाँ पर जो बाहर के हैं कि माउंट आबू राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर कुल मतदाता 14,000 मतदाता हैं सिर्फ, और एयरफोर्स आर्मी सीआरपीएफ के जो संस्थान वगैरह हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान यदि हम पूरा कैलकुलेशन लगा लेते हैं तो हम लोग 22,000 के आसपास हैं जो एक रूटीन में रहता आना जाना सीआरपीएफ आर्मी एयरफोर्स इन सभी का संस्थान के लोग भी आते जाते हैं हम कैलकुलेशन लगाए तो, और टोटल शहर के हम लोग मानते हैं 12,000 मतदाता और 4,000 और अन्य लोगों को जो मतदाता नहीं है सरकारी डिपार्टमेंट से कुछ लोग। लेकिन योगा दिवस के अवसर पर हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस छोटे से शहर में इस शहर का जो पोलो मैदान आपने देखा होगा ये पोलो मैदान गचागच भर जाता है 7,000 से 8,000 की पब्लिक होती है और हम गर्व महसूस करते हैं कि इतनी पब्लिक आ जाती है। हमारे साथ में पतंजलि योगपीठ से भी हमारे साथ में है, मुझे भी ऐसी जानकारी नहीं थी लेकिन किसी ने बताया कि आप आके जो अभ्यास कराते हैं सीआरपीएफ आर्मी एयरफोर्स में, पतंजलि एक बार थोड़ा सा अपना परिचय देंगे, आप पूरा योगदान देते हैं और पतंजलि योगपीठ ने जो सर्वे कराया उसके अंदर ये हुआ कि इतना छोटा सा माउंट आबू इतनी संख्या कम होने के बावजूद राजस्थान के अंदर हम लोग अधिक संख्या में प्रथम स्थान पर रहते पतंजलि में सर्वे के अनुसार, तो हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। और इस बार मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी यहाँ पे मचासीन अतिथि बैठे हैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी हमारे साथी हैं हम तो अभ्यास में से अभी से लग ही रहे हैं परंतु 21 जून को जो हम एक सामूहिक रूप से जो योग का जो हमारा पोलो ग्राउंड में कार्यक्रम होगा उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें और सबको मोटिवेट करें कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं ताकि एक संदेश कहीं भी जाना चाहिए, देश में संदेश पहुंचना चाहिए कि योग को इस शहर के लोग कितना पसंद करते हैं, योग के लिए
मुझे लगता है कि माउंट जैसे शहर इतनी अच्छी जगह शायद कहीं और नहीं हो सकती है। इतना सुंदर वातावरण, अभी भी आप देख रहे होंगे कि राजस्थान भर से हमारे पोलो मैदान में, राजस्थान भर से प्रशिक्षण शिविर में आए 450 बच्चे, वो एक महीने तक यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, खेलकूद प्रशिक्षण। और डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी संस्थान के साथ भी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम हमेशा डॉक्टर साहब और हम लोग बात करते थे संस्था के, जब कभी भी लोग मिलते थे। हम लंबे समय से, पिछले 40 वर्षों से हम एक पीड़ित, मैं आज ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि संस्थाओं का, लोगों का बहुत बहुत आभार कि ये लोग भी हमारे साथ आवाज़ से आवाज़ मिला के इस कार्य को सफल बनाया। हमारे यहाँ पर ज्ञान स्वरूप के जस्ट पीछे बहुत बड़ी एक सालगांव बांध परियोजना थी जो पिछले 40 वर्षों से पेंडिंग थी भारत सरकार की, और हम लोगों ने भागादौड़ी करी, हमारे एमपी साहब ने, हमारे एमएलए साहब ने और सभी लोगों ने हमने प्रयास करा और भारत सरकार ने सालगांव परियोजना की अनुमति प्रदान कर दी है और बहुत जल्दी इसका शिलान्यास हो जाएगा और उसके अंदर पानी की इतनी खपत रहेगी कि यदि 10 वर्षों तक माउंट आबू में बरसात नहीं हो तो वो सालगांव परियोजना 10 वर्षों तक माउंट आबू को पानी दे सकती है। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत सुंदर शब्दों के आप सभी को प्रेरणा भी दी और साथ साथ खुशखबरी सुनाई। जैसा कि बताया कि सालगांव प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, पानी की कमी नहीं होगी, तो यहाँ अधिक संख्या में और भी टूरिस्ट आ सकेंगे और आप भी अधिक संख्या में आएंगे तो हमें बहुत खुशी है। आपने नई एक योजना बताई और ये कार्य जल्दी सफल हो, हम सबकी यही शुभकामना है। और अभी मैं चंद्रिका बहन से निवेदन करती हूँ कि मंच पर उपस्थित हमारे भ्राता सुरेश सिंगर जी का शॉल पहना करके सम्मान करेंगे बहन चंद्रिका जी। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि हमारे बीच में योग गुरु जी बैठे हैं, इनका हम एक बार आपको मीटिंग में जाना है इसलिए आप जा रहे हैं, नहीं तो हम चाहते हैं कि आप बैठें लेकिन आपको। और हमारे बीच में योग गुरु जी बैठे हैं, आचार्य जी से मैं निवेदन करती हूँ आप मंच पर आइए, आपको सभी देख सकें, क्योंकि आपसे हमारे कई भाई बहने योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपका कराने का ढंग और सिखाने का ढंग इतना सुंदर है जो देखते और सीखते ही जल्दी ही उसको ग्रहण कर सकते हैं। हमारे बीच में पार्षद परमार जी भी अभी हमसे छुट्टी ले रही हैं। योग गुरु जी आप आगे आ जाओ और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ चंद्रिका बहन को, जो कि यूथ विंग के नेशनल लेवल के अनेक कार्यक्रमों का बहुत ही सुचारू रूप से आयोजन करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी बहन है हमारे योग गुरु जी का पुष्प भेंट करके स्वागत करने जा रही हैं। ब्रह्मा कुमारी बहन है, चंद्रिका बहन भी पिछले लगभग 60 वर्षों से राजयोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आपने भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर के अनेक सेवाएं की हैं और वर्तमान समय अहमदाबाद महादेव नगर सब जोन की आप सब जोन इंचार्ज भी हैं और साथ साथ यूथ के लिए नेशनल लेवल पर बहुत विशाल कार्यक्रम रखते हैं और यूथ भाई बहनों के अंदर आध्यात्मिकता के द्वारा एक नई प्रेरणा देते हैं ताकि यूथ अपने श्रेष्ठ मार्ग पर चल करके पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम रोशन करें। चंद्रिका बहन। ओम शांति। आज 21 जून के उपलक्ष्य में एक मास पूर्व 21 मई को आयुष मंत्रालय के द्वारा अपने प्रधानमंत्री जी का योगा का सविशेष प्रोजेक्ट का उद्घाटन संपन्न हुआ।
सम्माननीय मंच आवश्यक कार्यों के कारण हमारे से छुट्टी लेके गए हैं, लेकिन आप सभी जो यहाँ उपस्थित हमारे भाई बहने हैं या आबू के नगरजन भी जो आए हुए हैं, तो ये कितनी गौरव की बात है कि फिर से इस भारत देश की योगा की संस्कृति वापस लौट करके आ रही है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय हरेक के जीवन में इतना व्यस्तता है कि ना वो स्वयं के तन की संभाल कर पाते हैं और ना स्वयं के मन की और भी ध्यान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मनुष्य आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों का जो संयोग है, अगर वो दोनों ही स्वस्थ हैं, मन स्वस्थ है, तन तंदुरुस्त है, तो हमें जीवन जीने की रियल खुशी महसूस होती है। आज के दिन भारत भर में सभी जगह पर आयुष मंत्रालय के द्वारा ये जो प्रयास जारी किया गया है, ये सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय है और हमारे ब्रह्मा कुमारीज के पूरे भारत भर के सभी केंद्रों से आयुष मंत्रालय का संबंध जुड़ा हुआ है। गुजरात में भी हमारे वहाँ की मिनिस्ट्री हमसे मिलती हैं और काफ़ी कार्यक्रमों में हमें साथ रखते हैं। दिल्ली से भी ये समाचार है कि आयुष मंत्रालय का बहुत ही सहयोग रहता है और उनकी हमारे से अपेक्षा भी रहती है। तो मुझे आज ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जबकि युवा प्रभाग का इतना अच्छा एक कार्यक्रम जिसका विषय ही है youthmeditation.com, ऐसे समय पर ही इसका शुभ उद्घाटन हुआ है। मेरी इस एक मास के कार्यक्रम के लिए, आबू में होने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए अंतर मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर्व प्रकार से सफलताएं प्राप्त करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभकामनाओं से और युवा विंग के भाई बहनों के सहयोग से ये कार्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा और सफल होगा, हमें ऐसी ही आशा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि युवा भाई बहनें काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शिलू बहन से, जो कि राजयोगा के स्पेशल टीचर हैं, जो योग शिविर के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराते हैं। तो राजयोग क्या है, ये हमारे मन को कैसे शक्तिशाली बनाता है, वह एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। कल तो आपसे मिलेंगे, क्योंकि राजयोग हमारे मन को तंदुरुस्त बनाने में पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। राजयोग के बिना हम अपने मन को शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं, ये हमारे जीवन के लिए अति जरूरी है। तन को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, राजयोग का अभ्यास करना है। इसके ब्रह्मा कुमारी शिलू बहन भी पिछले 60 वर्षों से राजयोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भारत के कई स्थानों पर विदेश में सेवाएं करते हुए या हेडक्वार्टर में रहते हुए राजयोग शिविर की अनेक सेवाएँ और राजयोग अनेक आत्माओं को सिखाती रहती हैं ब्रह्मा कुमारी शिलू बहन। ओम शांति। सभी कहेंगे एक साथ ओम शांति। योगेश्वर परमात्मा शिव की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारी आदरणीय चंद्रिका बहन, आदरणीय शशि बहन, आदरणीय भ्राता डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी तथा आप सभी युवा प्रभाग के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सर्व भाई बहनें, युवा शक्ति तो महान है ही, और इस युवा शक्ति में अगर योग की शक्ति जुड़ जाए
तो सोने पर सुहागा का कार्य होगा, क्योंकि हम सब शक्ति तो चाहते हैं लेकिन अधिकतर हम बाह्य शक्ति की बातें करते हैं, धन की शक्ति या हथियारों की शक्ति, जो आज हम अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ देखते हैं दुनिया में। और योग में हम वो शक्ति प्राप्त करें ये भी एक लक्ष्य रहता है, लेकिन योग केवल शारीरिक क्रियाओं का ही दूसरा नाम नहीं है। योग जैसे बताया जीवन जीने की कला है, तो तन मन और आत्मा तीनों का कैसे सहज सुंदर एक समन्वय हो जाए यही हमें योग सिखाता है। पर बड़े खेद से कहना पड़ता है कि आज विशेष जो योग में अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि, ये अष्ट अंग बताए गए हैं, उसमें हम केवल प्राणायाम या आसन को ही महत्व देते हैं। जो यम और नियम जो मुख्य धारणाएं जीवन की है उन पर विशेष ध्यान नहीं देते। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शारीरिक योग के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक योग भी सिखाया जाता है, क्योंकि तन के साथ मन भी जुड़ा हुआ है और दोनों के साथ आत्मा जुड़ी हुई है। तो आत्मा पर भी ध्यान देना है, मन पर भी ध्यान देना है, अपने विचारों पर भी ध्यान देना है, अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना है, तब ये जीवन हमारा सुखद बनेगा, स्थित प्रज्ञ बनेगा। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अलिप्त रहता है, वैसे हमारा जीवन न्यारा और प्यारा बन जाएगा। और तब जीवन में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, आनंद और साथ साथ जितने भी सद्गुण हम वर्णन करते हैं वे आएंगे, और अनेक आध्यात्मिक शक्तियाँ हमें आएगी, हमारे अंदर आएगी। लेकिन वो आध्यात्मिक शक्तियाँ कौन सी होगी, जिसमें हम व्यवहार के अंतर्गत जिन शक्तियों की कमी है, जिसके कारण ही आज जीवन में इतना दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, विघ्न, समस्याएं जो आ रही है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव के कारण ही 80% शरीर के रोगों का वो कारण बन जाता है। इसलिए WHO ने बहुत सुंदर कहा है कि 80% ऑफ ऑल द फिजिकल एलिमेंट्स आर साइकोसोमेटिक। तो साइको को पहले हमें ठीक करना होगा, और अगर साइको को ठीक किया, मन को ठीक किया, तो 80% शारीरिक रोग तो वैसे भी नहीं आएंगे, बाकी 20% कुछ अन्य कारणों से आते हैं रोग। इसलिए योग के अंतर्गत राजयोग ये सबसे ऊंचा योग है, रॉयल योग है, जिसके अंतर्गत ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, अनेक प्रकार के योग सम्मिलित हो सकते हैं। तो इन योगों को हम कैसे साथ में जोड़ें और एक सर्वांगीण विकास आत्मा का हो, हमारे जीवन का हो, वो राजयोग के अंतर्गत आता है, जिससे हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, मन के भी राजा बनते हैं, सबके दिलों के भी राजा बनते हैं। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ है कि मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों से नर नारायण भी बन सकता है, नारी लक्ष्मी भी बन सकती है। तो ऐसा श्रेष्ठ योग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। तो किस प्रकार पतंजलि योग के साथ साथ यह राजयोग का हम सुंदर समावेश 1 महीने के लिए करेंगे, जो आज सुबह से ही आरंभ हो चुका है, जो अगला 1 मास 21 जून तक चलेगा।
लेकिन इसके साथ साथ जो विशेष रूप से हम राजयोग मेडिटेशन को महत्व देते हैं उसका थोड़ा सा आपको अनुभव कराना चाहेंगे, क्योंकि मेडिटेशन जब हम कहते हैं तो मेडिटेशन का अगर सचमुच अर्थ लें, इट इज़ मेडिकल टू ड्रॉ आउट समथिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बाहर की ओर ले आना, फ्रॉम इनसाइड आउट। अब तक जो हम करते थे वो आउटसाइड इन था, लेकिन मेडिटेशन में इनसाइड आउट है, जिसको विवेकानंद ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, व्हाट इज मेडिटेशन, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। आपके अंदर वो परफेक्शन की स्थिति है जो आप जीवन में चाहते हो, सुख मिले, शांति मिले, ये सब आपके पास ही है, लेकिन इनको कैसे जगाना है, उनको उजागर करना है, जो अब वो शक्ति सोई हुई है। तो ये शक्ति हमें बाहर से नहीं लेनी है, और शक्तियाँ तो बाहर से लेनी है, लेकिन ये शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, ये सब आत्मा के अंदर निहित गुण हैं, और इन्हीं गुणों को जागृत कर अपने जीवन में अनुभव करना, स्वचिंतन से, आत्मचिंतन से, परमात्म चिंतन से इन्हें अनुभव करके अपने व्यवहार में लाना, यही वास्तव में राजयोग द्वारा जीवन जीने की कला है। तो चलिए हम एक मिनट के लिए इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, सीधा बैठेंगे, अपनी कमर सीधी रखेंगे और एक विड्रॉल की स्थिति, जिस प्रकार कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार ये शरीर के जितने भी अंग हैं इन सब को आत्मा के बल से कैसे इनसे न्यारा बना जाए। ये आँख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर, ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा साधन है। मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, अजर, अमर, अविनाशी हूँ। इस सृष्टि मंच पर एक अभिनेता हूँ। ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है जिसे मुझ आत्मा ने धारण किया है। अब मैं आत्मा, इनसे न्यारी बन रही हूँ, और यह मन बुद्धि परमात्मा में ही लगाना है, यही मिलन आत्मा परमात्मा का, यही योग है जिससे आत्मा परमानंद का अनुभव करती है, यही शक्ति प्रदान करता है, और ये जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। ओम शांति, शांति, शांति। बहुत सुंदर, आपने केवल कुछ ही मिनट अनुभव किया, ये अनुभव आप कल फिर और करेंगे। अभी कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि अगला सेशन भी आरंभ होना है, और इस हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत थैंक्स।
कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतना समय दिया और मंच पर आसीन हमारे महानुभावों का भी बहुत बहुत थैंक्स।